चैनल का विवादित और मोस्ट एंटरटेनिंग शो बिग बॉस सीजन 14 का तीसरा हफ्ता खत्म होने को है। शो में आए ज्यादातर कंटेस्टेंट्स को आपने किसी ना किसी सीरियल में एक्टिंग करते या रियलिटी शोज में परफॉर्म करते देखा होगा, लेकिन बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां घर में रह रहे कंटेस्टेंट को रियल रहना पड़ता है। इन सेलेब्स को किसी किरदार में एक्टिंग करने के बाद अचानक जब इन्हें आप असल जिंदगी को जीते हुए या इनके बोलने चालने के तरीके को देखेंगे तो शायद आपका उनकी हर बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल होगा। ऐसे में इन कंटेस्टेंट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां रखना आपके लिए जरूरी है। तो आज हम अपने इस रिपोर्ट में आपके लिए लेकर आए हैं निशांत मलकानी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिनसे शायद ही आप रूबरू हुए होंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 1 सितंबर 1987 को दुबई में जन्मे निशांत मलकानी का बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग की ओर रुझान रहा। उन्होंने अपनी एक्टिंग के लिए इंस्पिरेशन हमेशा दूसरे एक्टर्स के परफॉर्मेंस से लिया है। फिल्मों के डाई हार्ड फैन रहे निशांत मलकानी केवल बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में ही नहीं बल्कि रीजनल फिल्में भी देखते रहे हैं। उनका मानना है कि एक अच्छा एक्टर किसी भी इंडस्ट्री में मिल सकता है और इसलिए उन्हें रीजनल सिनेमा में एक्टर्स की एक्टिंग देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यही नहीं, फिल्मों के अलावा उन्हें वेब सीरीज देखने का भी शौक है। उनका मानना है कि जिस तरह पर्दे पर काम करते करते इंसान बनावटी जिंदगी जीने लगता है, वहीं वेब सीरीज उन्हें रियल रहना सिखाती है, रियल रहने की आज़ादी देती है, क्योंकि वेब सीरीज में सेंसर बोर्ड की ओर से किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, जो रहता है रियल रहता है। इसलिए उन्हें फिल्में, टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज में से वेब सीरीज देखना ज़्यादा पसंद है। निशांत ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि सीरियल्स में काम करना रोज़मर्रा की ड्यूटी होती है, जिसमें एक ही कैरेक्टर को सालों तक रिपीटेडली चलाया जाता है। साथ ही टीआरपी के अकॉर्डिंग स्टोरी लाइन भी चेंज कर दी जाती है। ऐसे में एक समय के बाद वो काम करना बोरिंग लगने लगता है। वहीं दूसरी ओर फिल्में एक बाउंड स्क्रिप्ट पर काम करती है और 30-40 दिन काम करने के बाद पता चल जाता है कि स्टोरी कहां से शुरू होकर कहां ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वेब सीरीज से निशांत का प्यार अलग लेवल का है, क्योंकि वेब सीरीज की स्टोरीज एक्सटेंड करके आगे भी बढ़ाई जा सकती है और एक एक्टर लंबे टाइम काम करके काफ़ी कुछ सीख भी सकता है और ख़ुद की परफॉर्मेंस सुधार भी सकता है। हालांकि निशांत मलकानी ने अपने खुद के करियर की शुरुआत साल 2009 में एक मॉडल के रूप में की थी। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में कई फैशन इवेंट्स में हिस्सा लिया। उसी साल उन्हें टेलीविजन शो मिले जब हम तुम से डेब्यू करने का मौका मिला। शो में उन्होंने अधिराज सिंह का किरदार निभाया। इस शो के बाद उन्होंने कई टेलीविजन शो जैसे ससुराल गेंदा फूल, राम मिलाई जोड़ी और गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम किया। बताते चले कि शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा निशांत के करियर का मेजर ब्रेक रहा। इस दौरान शो की लीड एक्ट्रेस कनिका मान के साथ निशांत की लिंकअप की खबरें सामने आने लगी, जिससे बचने के लिए दोनों ने करीब 1.5 साल तक फॉर्मल रिलेशनशिप रखा। लेकिन इसके बावजूद उनके लिंकअप की खबरें आती रहीं और आखिरकार दोनों ने इन रूमर्स को इग्नोर कर अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि इस इंडस्ट्री में कोई कितना भी इस तरह की खबरों से बचना चाहे, पर अफेयर्स जैसे रूमर उठना आम सी बात है। वो कहते हैं ना कि बचपन का प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ हाल निशांत के साथ भी है। यहाँ आप सोच रहे होंगे ना कि हम उनकी लव लाइफ पर बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उनके एक्टिंग को लेकर, उनकी दीवानगी पर। निशांत ने बचपन से लेकर अब तक हजारों कैरेक्टर्स टीवी और फिल्मों में देख लिया है।
लेकिन शक्तिमान के लिए उनका प्यार भुलाए नहीं भूलता। निशांत कहते हैं कि वो उस शो के सबसे बड़े फैन हैं और आज भी उस शो को टीवी पर टेलीकास्ट होते देखना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वो इस शो का एक भी एपिसोड मिस नहीं करेंगे। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि 2009 से लेकर 2011 तक निशांत छोटे पर्दे का एक जाना माना नाम थे, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया। उस दौरान उन्होंने फिल्मों में कदम जमाने का फैसला लिया था और लकीली उन्हें फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे। उन्होंने इश्क ने क्रेजी किया, हॉरर स्टोरी, क्यूट कमीना और लव ट्रेनिंग, रागिनी एमएमएस जैसी कई फिल्मों की, लेकिन फिल्मों में सफलता ना मिलने के बाद ही उन्हें छोटे पर्दे की वैल्यू समझ आई। बड़े पर्दे पर काम करने के दौरान उनसे जुड़ा यौन शोषण का मामला भी सामने आया था। अगर आप सोच रहे हैं कि निशांत पर ऐसे किसी मामले के आरोप हैं, तो आप गलत हैं। दरअसल फिल्म रागिनी एमएमएस रिटर्न्स के दौरान ऐसी खबरें आई थी कि एक्ट्रेस रिया सेन ने उनका यौन शोषण किया है, लेकिन बाद में जब निशांत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे फिल्म शूटिंग का महज एक हिस्सा बताते हुए टाल दिया। असल में मामला क्या था ये तो निशांत ही जानते होंगे। अब आपको बताते हैं निशांत ने मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में कदम कैसे रखा था। जो किस्सा हम बताने जा रहे हैं वैसा ज़्यादातर हमने या आपने फिल्मों में ही देखा होगा। दरअसल एक बार अपने कॉलेज के दिनों में निशांत कोलकाता मेट्रो में सफ़र कर रहे थे, तभी एक आदमी ने उन्हें अपना कार्ड देते हुए कहा, मुझे कॉल करो। इससे पहले निशांत उस आदमी से कुछ पूछ पाते वो वहाँ से चला गया। ऐसे में जब निशांत ने उस नंबर पर कॉल किया तो सामने से उन्हें सुनने को मिला कि आपको तो मॉडल होना चाहिए। तो निशांत ने कहा कि अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं और मॉडल नहीं बनना चाहते। लेकिन उस आदमी ने निशांत को खुद से मिलने पर जोर दिया तो निशांत वहां गए। तभी उस आदमी ने कहा कि अपना पोर्टफोलियो शूट कराओ जिससे हम तुम्हारी फोटो सर्कुलेट करें और तुम्हें कोलकाता में ही काम मिल सके। और उस पोर्टफोलियो के बाद उन्हें सच में काम मिलने लगा। ये था उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का पहला पड़ाव। इसके बाद मॉडल मैनेजमेंट कंपनी से उन्हें ऋतु नाम की एक लड़की ने कॉल किया और पूछा कि क्या वो एक्टिंग करना चाहते हैं। ऐसे में एक्टिंग का शौक रखने वाले निशांत इस तरह के मौके को हाथ से कैसे जाने देते भला। बस फिर क्या था, इसी के बाद उन्हें शो मिले जब हम तुम में काम करने का मौका मिला और निशांत घर घर में फेमस हो गए। बिग बॉस में आने के पीछे भी निशांत की एक वजह है। वो चाहते हैं कि जो लोग अब तक उन्हें बतौर एक्टर देखते आ रहे हैं, अब वो खुद को उन्हें निशांत मलकानी के रूप में दिखाना चाहते हैं, ना कि किसी कैरेक्टर के नाम से। और शो में आने से पहले ही उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है कि वो बस रियल रहेंगे चाहे जो हो जाए। फिलहाल बिग बॉस शुरू होने के बाद से युवा महिलाओं की नज़र निशांत पर टिकी है, ऐसे में उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि उनके ये फैंस उन्हें इस शो में कहां तक लेकर जाते हैं। वैसे आपको हमारी ये ख़ास रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।